I'm Dr. Swarupa Mitra from Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center and on behalf of Healthy Ho. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी को हिंदी में विकिरण कहा जाता है, कॉमन टर्म्स में सिकाई कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी सिकाई एक गलत टर्म है। सिकाई होती है जब हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको कोई सेकते हैं, लेकिन रेडिएशन थेरेपी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। रेडिएशन थेरेपी रोशनी से ट्रीटमेंट होता है। रोशनी मीन्स इट कैन बी एक्सरेज या कोई पार्टिकल, जैसे आजकल प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई रोशनी से जब इलाज होता है कैंसर की, इसे हम रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है। कोई भी कैंसर में लगभग 60-70% कैंसर पेशेंट्स में रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत होती है, चाहे ये किसी भी फॉर्म में हो, चाहे क्यूरेटिव हो या चाहे कोई सिम्टम को ख़त्म करने के लिए हो। अब रेडिएशन थेरेपी कैसे कैंसर में काम आता है? कैंसर सेल्स वो सेल्स हैं हमारे बॉडी में जो कि नॉटी सेल्स हैं, जो डिवाइड करते रहता है और जो नॉर्मल बॉडी की जो कंट्रोल होती है उसको वो ओबे नहीं करता है। ये कैंसर सेल्स इसलिए बनता है क्योंकि उसमें कोई गलत डीएनए या म्यूटेटेड डीएनए उसमें होती है। रेडिएशन थेरेपी इसी डीएनए को, जो गलत डीएनए है या एबनॉर्मल डीएनए है, इसको हिट करता है, इसको नष्ट करता है और उस कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है। ये एक बेसिक तरीका है जिससे कि रेडिएशन थेरेपी काम करता है। इसमें आपको ये ऐसे महसूस हो सकता है कि रेडिएशन थेरेपी खाली नॉर्मल सेल्स को ही हिट करे या खाली कैंसर सेल्स को। कैंसर सेल्स को हिट करता है, लेकिन आजकल के जो रेडिएशन की टेक्निक्स हैं, ये नॉर्मल सेल्स को हम बचा लेते हैं। इसके बारे में, रेडिएशन टेक्निक्स के डिटेल्स के बारे में हम एक दूसरे सेशन में बात करेंगे। आज हम बेसिक्स ऑफ रेडिएशन के बारे में ही बात करेंगे। इट कैन बी क्योरेटिव, दैट मीन्स क्योर के लिए। जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट्स जब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में आते हैं, ये क्योरेटिव है। ये दो स्टेजेस होते हैं जबकि इसे हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। इस समय रेडिएशन थेरेपी की एम होती है क्योरेटिव या डेफिनेटिव, दैट मीन्स इसमें ज़्यादा डोज दिया जाता है जिससे कि कैंसर के सेल्स को हम पूरी तरह से ख़त्म कर पाए। दूसरी इंटेंट होती है पैलिएटिव। पैलिएटिव का मतलब होता है जब हम कोई कैंसर के कोई सिम्टम्स होती है, इसको हम कम करने के लिए दिया जाता है और ये कैंसर अभी हायर स्टेज में है, मे बी फोर्थ स्टेज में है, जिस समय इसकी क्योर होना, कैंसर को पूरी तरीके से ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता है। इस समय कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है, ये बस सिम्टम्स को, तकलीफ को कम करने के लिए दिया जाता है, कैंसर को ठीक करने के लिए नहीं। इसको हम पैलिएटिव रेडिएशन कहते हैं। दोनों के बारे में हम बात करेंगे वन आफ्टर अनदर। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, क्योरेटिव ट्रीटमेंट। इसमें रेडिएशन को बहुत समय अकेले दिया जाता है, कभी कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। ये होता है क्योरेटिव रेडिएशन, जिसमें और कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी कुछ कैंसर्स में सर्जरी पहले होती है, जैसे कि टंग का कैंसर हो या चीख का कैंसर हो, इसमें सर्जरी पहले होती है। लेकिन सर्जरी के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आती है, उसमें हम देख के तय करते हैं कि इस पेशेंट को आगे रेडिएशन की ज़रूरत है कि नहीं। इस तरह के रेडिएशन को हम एडजुवेंट रेडिएशन कहते हैं। इसमें सर्जरी ख़त्म होने के बाद 4-6 हफ्ते के बाद हम रेडिएशन इसमें ऐड करते हैं। इसमें रेडिएशन का डोज थोड़ा सा कम होता है डेफिनेटिव रेडिएशन के कंपैरिजन में। एडजुवेंट रेडिएशन में कभी कभी कीमोथेरेपी भी ऐड होती है, बहुत हल्की डोज में रेडिएशन के साथ साथ। इस समय इस कीमोथेरेपी का काम है रेडिएशन की इफ़ेक्ट को बढ़ाना, कैंसर सेल्स को रेडिएशन से और ज़्यादा सेंसिटिव करना, जिससे कि रेडिएशन की इफ़ेक्ट मैक्सिमम हो। इसको हम कहते हैं कॉनकॉमिटेंट रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। कभी कभी रेडिएशन दी जाती है कीमोथेरेपी के बाद,
सर्जरी नहीं होती है, लेकिन इसमें कीमोथेरेपी पहले दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लंग कैंसर या कोई स्टमक कैंसर जिसमें कि सर्जरी नहीं हो पाती है, उस समय हम कीमोथेरेपी पहले देते हैं, जिससे कि हम कैंसर की वॉल्यूम को हम घटा सकें और उसके बाद एक छोटा वॉल्यूम में हम रेडिएशन दे सकें। इसे भी हम एडजुवेंट रेडिएशन कहते हैं और कीमोथेरेपी को कहा जाता है नियो एडजुवेंट। तो समरी में दो तरह की रेडिएशन होती है, एक है डेफिनेटिव या क्यूरेटिव, जब हम कैंसर को ठीक करने के लिए देते हैं, सेकंड पैलिएटिव, जिसमें हम कैंसर की सिम्टम्स को, तकलीफ को कम करने के लिए देते हैं, क्योर के लिए नहीं। क्यूरेटिव रेडिएशन डायरेक्ट हो सकता है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी एक साथ, सेकंड एडजुवेंट हो सकता है, दैट इज सर्जरी के बाद, या न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी के बाद हो सकता है, ये होता है रेडिएशन। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा रेडिएशन से क्या नुकसान होता है और क्या बेनिफिट होता है। रेडिएशन इसलिए दिया जाता है कि हम कैंसर सेल्स को हम ख़त्म करें और एट द सेम टाइम नॉर्मल सेल्स को हम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए। ये मैक्सिमम हमारा इंटेंट होता है। और आजकल के जो तरीके होते हैं रेडिएशन के, दे आर वेरी एडवांस्ड, बहुत टारगेटेड, बहुत फोकस्ड होता है। तो इसमें हम मैक्सिमम कैंसर्स नॉर्मल सेल्स को हम बचा सकते हैं और कैंसर सेल्स को मैक्सिमम डोज दी जाती है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल सेल्स को बचाने का, तो बहुत समय एक क्वेश्चन आती है, हम पूरी तरह से बचा सकते हैं कि नहीं। पूरी तरह से शायद हम नहीं बचा सकते हैं, एटलीस्ट वो सेल्स जो कैंसर की ट्रीटमेंट का जो टारगेट एरिया है उसके आसपास में कुछ रेडिएशन ज़रूर जाता है और इसी के लिए साइड इफ़ेक्ट्स होती है या टॉक्सिसिटी होती है। ये होता है कैंसर के जो सेल्स के चारों तरफ जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उसमें कुछ रेडिएशन के डोज जाते हैं जो कि दे आर नॉट हार्मफुल। उससे जो नॉर्मल सेल्स को जितनी भी डैमेज होती है वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाता है। और इसीलिए हम कैंसर पेशेंट्स में जो रेडिएशन से जिनका इलाज होता है, टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स होती है। साइड इफ़ेक्ट्स होती है नॉर्मल सेल्स में जो कम डोज की रेडिएशन की एक्सपोजर हो जाती है, उससे साइड इफ़ेक्ट्स होता है। ये होता है एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ लेट साइड इफ़ेक्ट्स होता है। लेकिन आई वुड लाइक टू स्ट्रेस हियर, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स दे आर नॉट टू बैड टू एंडेंजर लाइफ। लाइफ के लिए कोई भी खतरा प्रोड्यूस नहीं करता है ये। कोई भी थोड़ा मेडिसिन हम देते हैं रेस्ट के साथ, न्यूट्रिशन के साथ, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स रिकवर कर जाते हैं। डिटेल्स ऑफ रेडिएशन साइड इफ़ेक्ट्स और उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम और एक एपिसोड करेंगे, जिससे कि हम इसको डिटेल में हम बात कर सकें। नेक्स्ट है कि किस तरह की रेडिएशन होती है। जैसे हमने बताया, सारी रेडिएशन आजकल टारगेटेड होता है। दो तरह की रेडिएशन टेक्निक्स होती है, एक है एक्सटर्नल रेडिएशन, दूसरी है इंटरनल रेडिएशन। दोनों रेडिएशंस आजकल टारगेटेड होता है। हम दोनों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, इसे हम आल्सो हम कहते हैं इसको EBRT और एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी और एक्सटर्नल RT और XRT। ये डिफरेंट वेज हैं हम एक्सटर्नल रेडिएशन के बारे में बात करने के लिए। इसको हम कैसे देते हैं, किस मशीन से देते हैं। पहले हम देते थे इसको कोबाल्ट मशीन से। आजकल कोबाल्ट मशीन ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में, सभी कंट्रीज में कम हो गया है और आजकल हम लिनियर एक्सेलरेटर, जिसको हम लिनैक बोलते हैं, इस मशीन के थ्रू हम देते हैं। ये मशीन हर जगह में सेम होती है, लेकिन देने का तरीका, सेम मशीन दूसरे डिफरेंट तरीके से रेडिएशन डिलीवर कर सकती है। ये सारे हैं हाई एंड मशीन्स एंड अच्छे हॉस्पिटल्स में, इन कैंसर हॉस्पिटल्स ये सारे मशीन्स अवेलेबल होता है। लिनियर एक्सेलरेटर या लिनैक डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, डिफरेंट इसके मॉड्स होते हैं बनाने के तरीके में, बट जो ट्रीटमेंट होता है दिस इज द सेम, दे आर टारगेटेड ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल रेडिएशन खास करके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं
2D रेडिएशन थेरेपी और 2-डायमेंशनल रेडिएशन थेरेपी जो हम आजकल नहीं देते हैं बिकॉज 2D रेडियोथेरेपी इज़ नॉन टारगेटेड। इसमें नॉर्मल टिश्यूज़ काफ़ी मात्रा में एक्सपोज्ड होते हैं। जब हम कोबाल्ट से रेडिएशन करते थे तब हम 2D रेडिएशन करते थे और इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते थे। आजकल हम कॉन्फॉर्मल रेडिएशन बोलते हैं, इसको 3D रेडिएशन बोलते हैं एंड इवन 4D रेडिएशंस आ गए हैं। ये सारे न्यू मेथड्स हैं रेडिएशन के। इट इज़ अ बेटर मेथड्स एंड एडवांस मेथड्स ऑफ टारगेटिंग द ट्यूमर एरिया एंड प्रोटेक्टिंग द नॉर्मल एरिया। कन्फर्मल रेडिएशंस में हमारे पास है अलग अलग टेक्निक्स हैं। एक है 3D रेडिएशन टेक्निक्स जिसे हम बोलते हैं 3DRT। हम आजकल 3DRT से भी बेटर तरीके में आ गए हैं। इस इरा में हमारे पास है IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। We have IGRT, Image Guided Radiation Therapy. ये दोनों बेसिक्स रेडिएशन थेरेपी के मेथड्स हैं। और भी मेथड्स आ गए हैं, उसको हम कभी बाद में बात कर सकते हैं। नॉर्मली जब कोई पेशेंट जाते हैं रेडिएशन के लिए, 3D रेडिएशन, IMRT, IGRT ये सारी टेक्निक्स पेशेंट्स के सामने रखा जाता है और इसके बारे में बात किया जाता है। IMRT इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, इसमें रेडिएशन की जो बीम्स आती है, एक्सरेज जो बीम्स आती है, इसको हम शेप कर सकते हैं और ट्यूमर का जो शेप है उसी शेप में हम रेडिएशन की बीम्स को भी हम शेप कर लेते हैं और जिससे कि नॉर्मल एरियाज, उसके चारों तरफ जो नॉर्मल एरियाज है इसको हम बचा लेते हैं। दिस इज़ इन वेरी सिंपल वर्ड्स IMRT और इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। इसमें कोई डिटेल्ड इमेजिंग नहीं होती है। जब पेशेंट को हम मशीन पे लेते हैं, एक एक्सरे होती है, एक्सरे में हम देखकर इसकी हम ट्रीटमेंट डिलीवर करते हैं। IGRT इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी, इसमें ट्रीटमेंट की प्लानिंग सेम होती है जैसे कि IMRT की होती है, लेकिन इमेज गाइडेड, जैसे नाम से पता चलता है, ये रेडिएशन टेक्निक होती है इमेजिंग के माध्यम से। जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के काउच पर लेते हैं, पहले एक इमेजिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑनलाइन इमेजिंग हो जाती है विद अ CT स्कैन। इस CT स्कैन में उतना डोज नहीं रहता है कि जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो। एक बार CT स्कैन हो जाता है, फिर उसी में जो सॉफ्टवेयर होती है उसी CT स्कैन के माध्यम से हम पेशेंट की ट्रीटमेंट एरिया को टारगेट कर लेते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट बीम डिलीवर होती है। सो दिस इज़ इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। इसमें हम नॉर्मल टिश्यूज़ को और ज़्यादा बचा सकते हैं क्योंकि इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी में हम नॉर्मल टिश्यू का जो वॉल्यूम है वो हम कम लेते हैं। IMRT में चूंकि उसमें इमेजिंग नहीं होती है, इसलिए टारगेट एरिया को हम मिस नहीं कर जाएं, इसलिए हम कुछ मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं अराउंड द ट्यूमर एरिया, जिससे कि नॉर्मल टिश्यू को थोड़े कुछ कम मात्रा में रेडिएशन की एक्सपोजर होती है। IGRT में ये जो नॉर्मल टिश्यू की मार्जिन है ये कम हो जाता है, इसलिए हम नॉर्मल टिश्यू को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बचा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, तब इज़ इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी ऑलवेज बेटर? हमेशा ज़रूरत नहीं होती है इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी की। इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत तब होती है जब कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कोई जगह को ट्रीट करना चाहते हैं, कोई नॉर्मल कोई इम्पॉर्टेंट एरिया जैसे कि आइज़ के पास हो या लंग में हो, ऐसी जो एरियाज़ होती है इसमें हम मार्जिन, नॉर्मल टिश्यू की मार्जिन हमें कम से कम लेना है। ये सारे जगह में हमें इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी के लिए हम पेशेंट को इंसिस्ट करते हैं। एग्जांपल जैसे बताया, आइज़ के पास कोई ट्यूमर हो, चीक में ट्यूमर हो जो ब्रेन के नज़दीक है, कुछ हार्ट के नज़दीक हो ट्यूमर, जैसे कि लेफ्ट ब्रेस्ट ट्यूमर है, ये सारे जगह में हम इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी के लिए बात करते हैं। इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी का और एक फॉर्मेट है, जबकि
जो ट्यूमर्स जो मूव करता है, जैसे कि हार्ट लंग के ट्यूमर, लंग में आदमी सांस लेते हैं तो वो मूव करता है, तब हम इसको इमेजिंग से कैसे हम इसको एड्रेस करें। इसलिए इमेजिंग के भी एक बेटर टेक्निक है 4D ट्रीटमेंट, जिसमें हम सांस में जो मूवमेंट है उसको भी हम कंसिडर करते हैं और उसको ध्यान में रख के ही इमेज गाइडेड रेडिएशन दी जाती है। IGRT की ज़रूरत और एक सिचुएशन में भी होता है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट एक ऐसी ऑर्गन है जिसके चारों तरफ नॉर्मल टिश्यूज़ काफ़ी क्लोज हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर या रेक्टम या इंटेस्टिन्स, ये इसके बहुत नज़दीक में है। और प्रोस्टेट कैंसर एक मूविंग ऑर्गन है, ये मूव करता है। थर्ड, प्रोस्टेट कैंसर में रेडिएशन की डोज की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ये सारे सिचुएशंस के लिए प्रोस्टेट कैंसर में IGRT इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी। तो जब भी आप कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ये सारी बातें डिस्कशन होती है और इस वीडियो से आपको ये समझने में आसान होगा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए और कौन सी तरीका आपके लिए बेस्ट हो। ये बातें हो गई एक्सटर्नल रेडिएशन या EBRT के बारे में। एक और तरीका है, वो है इंटरनल रेडिएशन। इंटरनल रेडिएशन जब हम ट्रीटमेंट अंदर से देते हैं, ट्यूमर के बहुत नज़दीक से, टेलीथेरेपी और एक्सटर्नल बीम रेडिएशन में रेडिएशन आता है बॉडी के बाहर से। इंटरनल रेडिएशन और ब्रेकीथेरेपी में रेडिएशन दी जाती है अंदर से। जो रेडिएशन की सोर्स होती है उसको हम ट्यूमर के अंदर में या ट्यूमर के बहुत नज़दीक रखा जाता है, इसको ब्रेकीथेरेपी और इंटरनल रेडिएशन कहा जाता है। इंटरनल रेडिएशन की ज़रूरत सभी कैंसर्स में नहीं होता है, इसकी ज़रूरत होती है सर्विक्स कैंसर में, गायनेकोलॉजिकल कैंसर में ब्रेकीथेरेपी इज़ अ मस्ट। ऑलमोस्ट सारे गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में ब्रेकीथेरेपी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। बाकी कुछ कैंसर्स है, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा या हेडनेक कैंसर्स में, कुछ लंग कैंसर्स में, GI कैंसर्स में इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो ये सारी बातें हुई आज के बेसिक्स ऑफ रेडिएशन के बारे में। अगर कुछ क्वेश्चंस रहता है आप वीडियो के नीचे ज़रूर प्लेस कीजिएगा, हम उसकी जवाब दे देंगे। आगे कुछ हम वीडियोस ऐसे ही बनाएंगे अबाउट द डिटेल्स ऑफ रेडिएशन और बाकी जो क्वेश्चंस हमारे मन में होता है रेडिएशन थेरेपी के बारे में। थैंक यू।